दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रांसफार्मर के कुछ पार्ट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जाना था ट्रांसफार्मर के इंट्रोडक्शन के बारे में, जहाँ पर मैंने आपको पूरी डिटेल से बताया था कि ट्रांसफार्मर का आविष्कार किस सन में हुआ था और किस किस रेटिंग के जो है ट्रांसफार्मर बनाए गए थे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रांसफार्मर के पार्ट्स के बारे में, वो भी डिटेल से। तो अगर आपने दोस्तों ट्रांसफार्मर के इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप क्लिक करके उन वीडियो को वॉच कर सकते हैं। दोस्तों, ट्रांसफार्मर के जो है कौन कौन से पार्ट जो है वो कैसे काम करते हैं जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौशल, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर के जो पार्ट्स होते हैं उनमें से जो है मैं आपको कुछ मेन पार्ट्स जो है बता देता हूँ, जो कि है कोर, बाइंडिंग, टैंक, ट्रांसफार्मर ऑयल, बुशिंग, बुकोज रिले, ब्रीदर, कंजर्वेटर टैंक, एक्सप्लोजन बाल्व और लास्ट में कूलिंग ट्यूब एंड रेडिएटर। दोस्तों, ये जो मैंने आपको डायरेक्ट नाम बता दिए, बट अब हम इनके बारे में जानेंगे डिटेल से। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कोर के बारे में। तो दोस्तों, कोर वही होती हैं जिनमें जो है बाइंडिंग लिपटी हुई होती हैं, मतलब कि जिनमें हम बाइंडिंग करते हैं, लपेटते हैं। और ये दोस्तों स्टेनलेस स्टील की बनी होती हैं और इनकी थिकनेस बहुत पतली होती है। इनकी थिकनेस दोस्तों 0.5 mm तक होती है। और ये जो बनती हैं दोस्तों, इसमें सिलिकॉन और जो स्टेनलेस स्टील को जो है मिलाकर बनाया जाता है ना, 97% दोस्तों इसमें जो है स्टील होता है और 3% इसमें सिलिकॉन होता है। अब दोस्तों, सिलिकॉन किस लिए मिलाया जाता है? तो दोस्तों, जब भी हम प्राइमरी बाइंडिंग को जो है सप्लाई देते हैं तो जो हमारा कोर होता है उसमें एक फ्लक्स उत्पन्न होता है। जी हाँ दोस्तों, वो फ्लक्स जो है इसी कोर के जरिए सेकेंडरी बाइंडिंग में जाता है। तो दोस्तों, सिलिकॉन इसीलिए इसमें मिलाया जाता है ताकि जो एडी करेंट लॉस है वो यहाँ पर हमारा बच जाए। अब दोस्तों, हम जानते हैं बाइंडिंग के बारे में। दोस्तों, बाइंडिंग जो होती है वो दोस्तों कॉपर से की जाती है और जो कॉपर की दोस्तों तार होते हैं उन पर भी इंसुलेशन चढ़ाई जाती है ताकि जब भी इसमें जो है पावर सप्लाई दी जाए तो ये आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था डिटेल से, तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब दोस्तों, हम जानते हैं ट्रांसफार्मर टैंक के बारे में। दोस्तों, टैंक वही चीज़ होती है जिसके अंदर, तो दोस्तों सबसे पहले जो है कोर में बाइंडिंग की जाती है और फिर उन दोनों को दोस्तों ट्रांसफार्मर टैंक में रखा जाता है। और दोस्तों, जो टैंक होता है जो उसकी थिकनेस होती है वो बहुत ही मोटी होती है। और दोस्तों, अब हम जानते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल के बारे में। दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर टैंक होता है वो पूरा ऑयल से भरा हुआ होता है। दोस्तों, ये कोई नॉर्मल ऑयल नहीं होता, वो मिनरल ऑयल होता है जिसका काम होता है दोस्तों ट्रांसफार्मर में कूलिंग प्रोवाइड करना और दोस्तों जो बाइंडिंग होती है उनके बीच इंसुलेशन भी बनाए रखना। अब दोस्तों, हम जानते हैं बुशिंग के बारे में। दोस्तों, ट्रांसफार्मर के ऊपर, दोस्तों ट्रांसफार्मर के बाहर जो इस प्रकार के पार्ट्स निकले रहते हैं जिनमें हम जो है वायर कनेक्ट करते हैं, इन्हीं को बेसिकली हम बुशिंग बोलते हैं। और दोस्तों, बुशिंग का यूज हम इसलिए करते हैं कि जो हम वायर यहाँ पर अटैच करते हैं वो डायरेक्टली ट्रांसफार्मर की बॉडी के कॉन्टैक्ट में ना आए, वरना यहाँ पर जो हमें करंट लग सकता है। और दोस्तों, जो बुशिंग होती है और जो इंसुलेटर होते हैं वो दिखने में एक जैसे होते हैं, बट यहाँ पर दोनों ही हैं दोस्तों, वो बहुत अलग अलग हैं, इनके बारे में मैं आपको एक वीडियो बनाकर बता दूंगा। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कंजर्वेटर टैंक की। दोस्तों, कंजर्वेटर टैंक दोस्तों ट्रांसफार्मर की बॉडी के ऊपर कुछ इस टैंक टाइप का होता है, कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं आप। और दोस्तों, इसमें जो है आधा जो है ऑयल भरा जाता है। अब इसका यूज क्या होता है? दोस्तों, जब भी जो है ट्रांसफार्मर को हम लोड देते हैं तो वो काम करता है तो वो गर्म हो जाता है, मतलब बहुत ही हीटअप हो जाता है। उसके अंदर जो ऑयल होता है दोस्तों वो बहुत ही हीटअप हो जाता है। और दोस्तों, हमें पता है कि जब भी कोई लिक्विड जो है हीटअप होता है तो वो फैलता है। दोस्तों, जो उसका एक्सपेंड होता है ऑयल, तो वो दोस्तों कंजर्वेटर टैंक में हो जाता है। दोस्तों, कंजर्वेटर टैंक में भी हम दोस्तों फुल ऑयल नहीं भरते क्योंकि हमारा जो एक्सपेंशन होना है वो वहाँ पर कंजर्वेटर टैंक में होता है हमारे ट्रांसफार्मर ऑयल का। जब भी दोस्तों ट्रांसफार्मर ऑयल गर्म होता है तो वो फैलता है, तो दोस्तों वो कुछ कंजर्वेटर टैंक तक फैल जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं ब्रीदर के बारे में। दोस्तों, ब्रीदर का काम क्या होता है? दोस्तों, जब भी जो है हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल गर्म होता है तो कंजर्वेटर टैंक में फैलता है, वहाँ पर दोस्तों बहुत ही गर्म हवा आ जाती है जिसको दोस्तों ट्रांसफार्मर की जो ब्रीदर होता है उसकी सहायता से बाहर निकाला जाता है। अब दोस्तों, जैसे ही ट्रांसफार्मर ठंडा होता है तो उसके लिए दोस्तों एयर चाहिए होती है, जो कि ठंडी एयर होती है। दोस्तों, वो भी दोस्तों ब्रीदर के जरिए ट्रांसफार्मर के अंदर ली जाती है। अब दोस्तों, जो एयर होती है उसमें दोस्तों होता है मॉइस्चर। मॉइस्चर का मतलब दोस्तों पानी होता है
बहुत ही अति सूक्ष्म कण होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, वो जो है एयर में होते हैं। उसके लिए दोस्तों जो ब्रीदर होता है उसमें बहुत सारी सिलिका जेल जो है भर देते हैं ताकि जितनी भी नमी हो वो ये सिलिका जेल सोख लें और हमें जो है प्योर एयर दे दें बिना मॉइस्चर की। दोस्तों कुल मिला के ब्रीदर का काम ही होता है। अब दोस्तों हम जानते हैं रेडिएटर एंड कूलिंग ट्यूब के बारे में। दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपने ट्रांसफार्मर के पंखे देखे ही होंगे। बेसिकली दोस्तों इसको हम जो है रेडिएटर बोलते हैं और इसका काम होता है हमारा जो ट्रांसफार्मर का ऑयल होता है उसको जो है कूल करना। दोस्तों जब भी जो है ट्रांसफार्मर का ऑयल जो गर्म होता है तो वो ऊपर आ जाता है, ऊपर की साइड आ जाता है। दोस्तों यहाँ पर ऊपर की ट्यूब में आने के बाद दोस्तों इनके अंदर जो है जो पंखे होते हैं उनके अंदर बहुत पतले पतले तार नुमा का गैप होते हैं जिनमें से ये नीचे आ जाता है। और दोस्तों नीचे आते आते दोस्तों उसको लगती है बाहर से कूल एयर, तो जिससे जो है दोस्तों एक कूल हो जाता है और फिर कूल ऑयल नीचे आ जाता है दोस्तों, और ट्रांसफार्मर की जो बॉडी से ऑयल जाता है गर्म वो दोस्तों ऊपर की साइड इसमें जाता है। और दोस्तों ये साइकिल चलता रहता है। दोस्तों गर्म ऑयल ऊपर से आता है और नीचे तक वो ठंडा हो जाता है। अगर दोस्तों ज़्यादा लोड हो और ज़्यादा गर्म हो रहा हो ऑयल तो इस केस में दोस्तों हम जो है रेडिएटर में जो है बाहर से एक्सटर्नली फैन भी लगा देते हैं। अब दोस्तों हम जानते हैं बुकोज रिले के बारे में। तो दोस्तों बुकोज रिले जो होता है वो दोस्तों हमारे कंजर्वेटर टैंक के पाइप और ट्रांसफार्मर के पाइप के बीच में लगाया जाता है। इसका काम क्या होता है? दोस्तों जब भी ट्रांसफार्मर कोई छोटा मोटा फॉल्ट होता है तो ये दोस्तों अलार्म सेंड कर देता है, या फिर दोस्तों अगर कोई बड़ा फॉल्ट होता है जिसमें जो ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट या ब्लास्ट होने के जो चांस होते हैं तो दोस्तों ऐसे में ये ट्रिप सिग्नल सेंड कर देता है हमारे सर्किट ब्रेकर को, जिससे ट्रांसफार्मर हमारा बंद हो जाता है, जिससे हमारा दोस्तों ट्रांसफार्मर जो है वो बच जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं एक्सप्लोजन वाल्व। दोस्तों एक्सप्लोजन वाल्व दोस्तों कुछ इस प्रकार से ट्यूब नुमा संरचना होती है। अब इसकी दोस्तों जो थिकनेस होती है वो ट्रांसफार्मर की बॉडी की थिकनेस से थोड़ी पतली होती है। अब दोस्तों इसको किस लिए बनाया जाता है? दोस्तों इसको जब भी हमारा जो है एग्जाम्पल के लिए कोई केस मान लेते हैं, हमारा जो है ऑयल दोस्तों बहुत हीटअप हो रहा है, यहाँ पर लोड हमने दिया हुआ है ट्रांसफार्मर को और जो ऑयल हमारा बहुत ही हीटअप हो रहा है और दोस्तों जो ब्रीदर है वो काम नहीं कर रहा और हमारा जो ऑयल है वो पूरा एक्सपेंड हो चुका है कंजर्वेटर टैंक में, और दोस्तों उसके लिए दोस्तों एयर पास नहीं हो रही ब्रीदर के थ्रू, और दोस्तों ऐसे में हमारा जो बुकोज रिले है वो भी ख़राब हो जाए। दोस्तों क्या होता है कि अगर ऐसे में अगर ट्रांसफार्मर फटेगा तो वो पूरे पंप की तरह फटेगा और बहुत सारे दोस्तों उसमें आग लग जाएगी। दोस्तों इससे बचने के लिए दोस्तों एक्सप्लोजन वाल्व का यूज किया जाता है ताकि जब भी इस प्रकार की केस ऐसी आए दोस्तों उस केस में क्या होता है जो एक्सप्लोजन वाल्व है वो पहले फट जाती है ताकि दोस्तों जो ऑयल है वो एक्सपेंड हो जाता है, उसकी सारी हीटअप निकल जाती बाहर और जिससे दोस्तों ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होने से बच जाता है। दोस्तों कुछ इस प्रकार से दोस्तों जो मेन पार्ट थे ट्रांसफार्मर के, और इनके बारे में दोस्तों आपकी बुक में भी बहुत अच्छे से दिया हुआ तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, बट दोस्तों इसको मैंने सारा कुछ बताया है डिटेल से और आप इसको समझ लीजिएगा क्योंकि ट्रांसफार्मर जो होता है वो दोस्तों मेन टॉपिक है। अगर इसके बारे में पेपर में पूछ लिया जाता है, इसके पार्ट्स रिलेटेड भी पेपर में पूछ लिया जाता है, इसको सीरियसली क्लियर कीजिएगा और समझिएगा, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा बताऊंगा। अगर आप एक ITI की स्टूडेंट्स हैं या फिर ITI में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड के स्टूडेंट हैं तो ये चैनल कम्प्लीटली आपके लिए बनाया गया है। आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं जहाँ पर आपको ITI से रिलेटेड सारी जानकारी दी जाती है और जो ITI में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड है उसका कोर्स भी कम्प्लीट हम कराते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर फिर भी कोई सवाल या सुझाव रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो नमस्ते दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।